तो अब हम बात करेंगे डाइट प्लान के ऊपर. ये एपिसोड इज कंप्लीटली डेडिकेटेड ऑन व्हाट यू गोइंग टू ईट, हाउ यू गोइंग टू ईट इट, और आपका जो डाइट प्लान है उसके पीछे रीजनिंग क्या है. नॉर्मली हमें डाइट प्लान मिल जाते हैं, हम लोग देखते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, उसको फॉलो करना शुरू करते हैं. हमें आइडिया नहीं होता कि उसके पीछे साइंस क्या है, किस वजह से हम ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, कितना हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखना है कैलोरीज से, कितना कैलोरी डेफिसिट में हम लोग हैं, क्यों है, किस तरीके से खाएंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे. मेरा काम आज ये है कि मैंने आपको थ्योरी अंडरस्टैंड करानी है, रीजनिंग प्रोवाइड करनी है कि आप खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं और आपके खाने का ब्रेकडाउन क्या है. सो यू विल नो एंड यू विल बी मोर एजुकेटेड टू मेक प्लान्स फॉर योरसेल्फ इन द फ्यूचर. और अभी भी आपको ज्यादा समझ आएगी कि आप क्यों कर रहे हैं, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से फॉलो कर सकें. आपके पास दिमाग में रीजन होगा, साइंटिफिक बेस्ड रीजन होगा, समझ लेंगे आप, फिर आप बेहतर तरीके से फॉलो कर सकेंगे. तो डाइट प्लान नॉर्मली किस तरीके से बनने चाहिए. डाइट प्लान अगर आप फैट लॉस करें, आपका मेन गोल हमेशा फैट लॉस में एक ही होता है कि आपने कैलोरिक डेफिसिट में रहना है, यानी आपकी बॉडी जितनी कैलोरीज बर्न करती है थ्रू आउट द डे, आपने उसके अंदर इंक्लूड करना है जो आपका एक्टिविटी लेवल है, उससे आप डेफिसिट में जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. अगर मेरी दिन में कैलोरी जो मैंने कैलकुलेट की हुई, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैलकुलेट किस तरीके से की है. मेरी कैलोरीज दिन में विदाउट एनी एक्टिविटी इज 1675 टू मेंटेन माय वेट. अगर मैं अपनी कैलोरीज ऐड करूं, सॉरी अगर मैं अपनी एक्टिविटी ऐड करूं कि मेरी 3-4 डेज इंटेंस एक्टिविटी है, तो मेरी कैलोरीज चली जाएंगी 2595 के ऊपर. अब मैंने अगर फैट लॉस करना है तो मैं 2595 में से 400 टू 500 कैलोरीज कम कंज्यूम करूंगा और ऑटोमेटिकली मैं कैलोरी डेफिसिट में चला जाऊंगा. अगर मैंने वेट गेन करना है, मैं 2595 के ऊपर 500 कैलोरीज ऐड करूंगा और मैं कैलोरिक सरप्लस में चला जाऊंगा, जिसका मतलब है मेरा वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. क्योंकि ये कैलोरिक ट्रांसफॉर्मेशन इज अबाउट मी लूजिंग फैट एंड गेनिंग मसल, तो मुझे कैलोरिक डेफिसिट में जाना है. तो मैं अप्रोक्सीमेटली 300-400 कैलोरी डेफिसिट में होगा. अगर प्रिसाइसली बात करना चाहते हैं तो 399-98 यानी 400 कैलोरीज के डेफिसिट में होगा. लेकिन जब मैं 400 कैलोरीज के डेफिसिट के अंदर हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है कि मेरी प्रोटीन इंटेक अच्छी है, मेरी कार्ब इंटेक अच्छी है, मेरी फैट इंटेक अच्छी है. अक्सर लोग ये करते हैं कि यार मैंने फैट लॉस जाना है तो मैं कार्ब्स बिल्कुल कट कर दूंगा, मैं फैट्स बिल्कुल कट कर दूंगा, मैं खाली प्रोटीन लेना शुरू कर दूंगा, तो बहुत मैं सिर्फ जूस पीना शुरू हो जाऊंगा. तो इस तरह की डाइट्स बहुत सारी अवेलेबल हैं ऑनलाइन. ये सारी डाइट्स का मकसद एक ही होता है कि आपको कैलोरीज रिस्ट्रिक्टेड पैटर्न के ऊपर चलाएं, यानी आप ही कैलोरीज कम से कम कंज्यूम कराएं ताकि आप कैलोरी डेफिसिट में चले जाएं और आपका फैट लॉस तो हो जाएगा. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फैट लॉस तो आपका तब भी हो जाता है कि अगर आप एक प्रिजन सेल में बैठे हुए और आप कुछ खा नहीं रहे, तो वेट तो आपका फिर भी गिर जाएगा बिकॉज आप कैलोरी डेफिसिट में है. ठीक है, तो हमने एक पॉइंट दिमाग में रखना है कि हम जब कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं, अपनी बॉडी को सारे के सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी बॉडी इफेक्टिवली फंक्शन करे, डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन करे, मेटाबॉलिक सिस्टम फंक्शन करे, ऑल द सिस्टम्स एंड हॉर्मोन्स इन योर बॉडी आर परफॉर्मिंग ऑन देयर ऑप्टिमल लेवल and also you losing fat. So that is how it should be done, it should have always been done. Lekin kuch trainers aise hain, kuch log aise hain jo sirf goal ke chakkar mein, jo fat loss goal hai uske chakkar mein apni body ko jo benefits provide kiye jaate hain nutrients ke through aur aapki body ke jo functions hain unko compromise kar dete hain fat loss liye. Hum is plan mein aisa kuch bhi nahi kar rahe, hum sirf make sure karenge ki hum fat loss kare हेल्दी तरीके से करेंगे, बॉडी को ज्यादा एफिशिएंट करेंगे, अपना इम्यून सिस्टम ज्यादा बेहतर करेंगे और बाकी सारे भी फंक्शंस बॉडी के इंप्रूव करेंगे व्हाइल वी आर अचीविंग आवर गोल्स, मसल गेन एंड फैट लॉस एज वेल एट द सेम टाइम. ठीक है, तो मैंने अपने आप को कैलोरी डेफिसिट में लेके जाना है. मैं अपनी प्रोटीन की इंटेक अच्छी रखूंगा क्योंकि मैं कैलोरी डेफिसिट में हूं, तो मेरा मसल लॉस ना हो. मैं कार्डियो भी कर रहा हूं लेकिन क्योंकि मेरी प्रोटीन की इंटेक और ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स की इंटेक अच्छी होगी, बीसीए सप्लीमेंट होता है, उससे मेरा मसल लॉस कम से कम हो जाएगा. अब आपने जाना है ऑनलाइन गूगल के ऊपर, गूगल के ऊपर जाके यू विल टाइप कैलकुलेट बीएमआर, उसके ऊपर एक कैलकुलेटर की सबसे पहले जो वेबसाइट है वो आ जाएगी. उस कैलकुलेटर वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उस कैलकुलेटर वेबसाइट के ऊपर आप अपनी एज, वेट, हाइट और जेंडर ऐड करेंगे. उसके बाद राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन यू विल सी कि आपको अपना बीएमआर मिल जाएगा. मेरा बीएमआर 1675 है,
फिर उसके नीचे आपको एक टेबल नजर आ रहा है, उस टेबल के ऊपर आप देखेंगे कि आप एक्टिविटी 3 to 4 days इंटेंस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेरी कैलोरीज आर 200 595, मैंने अपनी कैलोरीज 200 595 से रिड्यूस करनी है ताकि मैं कैलोरी डेफिसिट में आ जाऊं। अगर आपने वेट इंक्रीज करना है तो आप 500 कैलोरीज ऊपर पुश कर देंगे। ये डाइट प्लान आपको पीडीएफ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डाइट प्लान मेरा वाला डाइट प्लान है, मेरा डाइट प्लान मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो आपको मिल जाएगा, आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपनी कैलकुलेशन करें बीएमआर की और अपनी कैलकुलेशन करें क्या नाम है आपकी एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंगली कितना आपको कैलोरीज देनी है टू मेंटेन योर वेट, और उधर से आप अपनी 500 कैलोरीज ड्रॉप कर लें। मोर लेस चीजें सेम होंगी, ज्यादा फर्क नहीं होता, आपने हल्की सी चीजें चेंज करनी होती हैं। अपना बॉल पार्क एक दिमाग में रखना है कि जो प्रोटीन इंटेक है वो अप्रोक्सीमेटली फिस्ट साइज होनी चाहिए, फिस्ट के साइज की होनी चाहिए प्रोटीन। अगर आप अपनी मुट्ठी रखें तो इतना चिकन बीफ फिश इस तरह कोई भी चीज हो, टर्की, आप इतने साइज की लेंगे। आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें ऑप्शंस आपके पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपने लेने हैं, राइस हो गए, स्वीट पोटेटोज हो गए, होल व्हीट आटा की रोटी होगी, ब्राउन ब्रेड होगी, ये ओट्स हो गए, ये सारे भी आपने फिश साइज लेने। अगर मैं चावल खाऊंगा तो 1 cup खाऊंगा, 1 cup से ज्यादा नहीं खाऊंगा। अंडे अनलेस मैं वेट गेन करना चाह रहा हूँ, मैं अभी स्पेसिफिकली फैट लॉस की बात कर रहा हूँ, तो 1 cup राइस, फिश साइज राइस, फिश साइज चिकन यानी प्रोटीन की सर्विंग, उसी प्रोटीन सर्विंग के अंदर आपकी फैट की सर्विंग भी आ जाएगी, और साथ मेरी तकरीबन फिश साइज की मिक्स्ड वेजिटेबल्स होंगे जिसके अंदर आप ब्रोकली डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, एस्पैरेगस डाल सकते हैं, आप कोई भी जो आपकी वेजिटेबल्स आपके लिए मौजूद हैं आसानी के साथ आप वो साथ कंज्यूम कर लें। तो ज्यादातर मील्स ऐसे ही होंगे, फिश साइज प्रोटीन, फिश साइज कार्ब्स एंड फिश साइज वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये आपके ज्यादातर मील्स विल लुक लाइक वंस यू डाउनलोड माय प्लान, यू विल सी उसके अंदर मैंने दिया हुआ है कि मैं पहले मील में क्या खा रहा हूँ, दूसरे में क्या खा रहा हूँ, तीसरे में क्या खा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए कि मैंने किस तरीके से चलाना है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल का मील उठाता हूँ कि मेरा एग्जाम्पल मील है कि 150 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट मैंने ग्रिल की हुई है, नॉन स्टिक पैन आजकल मिल जाते हैं, उस पैन के अंदर आप 1 teaspoon ऑलिव ऑयल डाल लगाएं, उसके ब्रश के साथ उसको वो करें और उसके ऊपर आराम से आप चिकन को ग्रिल कर सकते हैं, चिकन को आप प्री मैरिनेट कर सकते हैं अपने स्टाइल के साथ, सॉल्ट का कोई इशू नहीं है और स्पाइस का कोई इशू नहीं है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है। अगर आपको ग्रिल करना पसंद नहीं है, आपको देसी खाना पसंद है, तो आप देसी खाने पे प्लेन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चिकन का सालन बनाऊंगा तो मैं सिर्फ ब्रेस्ट यूज करके बनाऊंगा, ब्रेस्ट की अगर वन फॉर एवरी 150 ग्राम्स ऑफ ब्रेस्ट आप 1 teaspoon ऑफ ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं अपने सालन में, तो मैं एक ही साथ 4 ब्रेस्ट का सालन बनाऊंगा, उसके अंदर मैं 2 tablespoon ऑलिव ऑयल डालूंगा, थोड़ा सा दही डालूंगा, स्पाइसेस डालूंगा और मैं अपना सालन बना सकता हूँ। वो उस तरह का ऑयली खाना नहीं होगा जो हम खाने के शौकीन है या आदि है, लेकिन एटलीस्ट इट विल बी समथिंग क्लोज टू इट, इट डिपेंड्स हाउ यू गेट इट मेड और आप किस तरीके से बनाते हैं इस चीज को। तो बेसिकली आप देसी खाने भी हेल्दी तरीके से बना सकते हैं अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स को ट्वीक कर लें। तो प्लीज जाकर मेरा डाइट प्लान आप डाउनलोड कर लें फॉर वुमेन एज वेल। लड़कियों के लिए अलग से डाइट प्लान का मैंने एक एग्जाम्पल प्रोवाइड की हुई है, आपकी भी सेम इसी तरह कैलकुलेशंस होती हैं, आप जाके मेरा डाइट प्लान जो एक एग्जाम्पल के तौर पर डाइट प्लान है उसको देख लें, आपको समझ आ जाएगी आपकी प्रोटीन इंटेक कम है, आपकी कार्ब की इंटेक कम है, आपकी थोड़ी सी फैट की इंटेक भी कम होगी ड्यूरिंग दिस प्लान। तो चीजें आप आसानी के साथ फॉलो कर सकते हैं अगर आप अपना दिमाग लगा के दिल लगा के सब कुछ फॉलो करें। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने दिन में 3 to 4 liters ऑफ वाटर लाजमी पीना है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल पार्ट ऑफ योर बॉडी, हम सबको पता है, मुझे इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि पानी क्यों जरूरी है, तो मेक श्योर करें 3 to 4 liters ऑफ वाटर आप लाजमी पिए। मेरा डाइट प्लान प्रॉपरली रीड करें, उसमें नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं, और आपके टोटल मील्स जिस तरह आप देखिए डाइट प्लान में 5 meals a day है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म इट कीप्स गोइंग, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, फैट लॉस की जर्नी भी चलती रहे, मसल गेन की भी जर्नी चलती रहे। द मोर मसल यू पुट ऑन द फास्टर यू विल रिड्यूस फैट। आज मैं अपने कैमरामैन से इस बारे में बात करता हूं, उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि आरएमआर होता क्या है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक वेट। हम दिन में 70% कैलोरीज अपनी बैठे बैठे रेस्ट टाइम में बर्न करते हैं व्हाइल वी स्लीपिंग, व्हाइल वी सिटिंग डाउन। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को हमने तेज करना है, वी हैव टू फायर दैट, आप उसको तेज करना है। तो तेज किस तरह करेंगे, एक्सरसाइज के थ्रू। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हैज बीन शोन टू इंक्रीज आरएमआर्स।
सिर्फ 20% आपकी कैलोरी जो दिन में बर्न होती हैं वो एक्टिविटीज से होती हैं, 10% तकरीबन थर्मोजेनेसिस से, जो आप खाना खाते हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उन कैलोरीज को बर्न कर रहा होता है, उस खाने को डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो ऑल एम आर को इंक्रीज करना यानी रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है, एंड दैट नॉट ओनली कम्स थ्रू वॉक्स। हम सुनते हैं डॉक्टर्स कहते हैं हमेशा लोगों को, बस जी आप 20 मिनट वॉक कर लें जी आपको बड़ा फायदा हो जाएगा, आपको फायदा हो जाएगा। नहीं, जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, हाई इंटेंसिटी डेवलप ट्रेनिंग करेंगे, तब आपका आरएमआर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आप कैलोरीज तेज बर्न करेंगे और आपका फैट लॉस भी तेज होगा। सो वॉकिंग ओनली इज नॉट इनफ, यू नीड टू वेट ट्रेन, यू नीड टू डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज टू इंक्रीज दिस आरएमआर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप ये आसान है आपके लिए समझना, डाइट प्लान्स गिवन है, उसको डाउनलोड करें और फॉलो करना शुरू करें, ग्रोसरी आप अपनी जाके आराम से बाय कर सकते हैं, ये सब चीजें आपके सामने हैं। आई होप यू फॉलो द सप्लीमेंट प्लान, द डाइट प्लान प्रॉपरली, और हर इंसान जिसका 18% जो बॉडी फैट है प्लीज वो कार्डियो डे 1 से शुरू कर दें, 20 मिनट्स ऑफ कार्डियो एवरी सिंगल डे, और ये मॉडरेट पेस कार्डियो है। बेस्ट ऑफ लक।